हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट ऐप के बारे में। तो अगर आप पेटीएम मनी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको हमारा ये रिव्यू वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट एक तरीके से अच्छा भी है तो दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो यह एप्लीकेशन ख़राब या फिर बुरा भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज भी देखेंगे और डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि आखिर पेटीएम में आपको क्यों अकाउंट बनाना चाहिए और क्यों अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करने वाले हो, ठीक है। अगर आपका काम पेटीएम मनी से हो रहा है तो आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनके भी मैंने वीडियो बना दिए हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऑप्शन पर और कौन सी कंपनी हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों यह वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो वो मैं अपने रिसर्च से आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे दोस्तों जब मैं किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में अच्छा बोलूँ ताकि और भी कंपनियाँ उस वीडियो को देखें तो वो अपने एप्लीकेशन का भी प्रमोशन मुझसे करवाएं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं उतना ज़्यादा कंपनियों को वैल्यू नहीं देता हूँ, मैं वैल्यू देता हूँ आप लोगों को कि जो हमारे व्यूअर हैं बस उनका ट्रस्ट अगर मुझ पर हो जाए, ठीक है, तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं आपको किसी एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और उसके मैं आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बताऊँ, मैं आपको सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट बता दूँ, फिर अगर आपको पता चलता है कि इसमें ये पॉइंट नेगेटिव भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिव्यू किया था और इन्होंने हमें ये चीज़ बताई नहीं थी, तो फिर आपका मुझसे ट्रस्ट हट जाएगा। तो इसीलिए मैं कंपनियों को वैल्यू ना देते हुए मैं वैल्यू देता हूँ अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर को। तो इस वीडियो में आपको पेटीएम मनी के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं तो वो भी बताऊँगा और जो पॉइंट नेगेटिव हैं तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं बिल्कुल शुरू से कि अकाउंट ओपन आप कहां से करेंगे। तो अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसमें बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक यहां पर अच्छा पॉइंट है कि अकाउंट ओपन करने का कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है जैसे बाकी के डीमेट अकाउंट में हो जाता है। अब बात करते हैं एएमसी चार्ज के बारे में। तो दोस्तों एएमसी चार्ज इस कंपनी में जीरो है, ठीक है, लेकिन ये इस कंपनी ने यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। एएमसी चार्ज तो लिख दिया है जीरो, लेकिन इन्होंने नीचे उसमें एक और ऑप्शन दिया है, उसमें लिख दिया है इसमें प्लेटफॉर्म चार्ज। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म चार्ज है इनका 30 रुपये पर मंथ। अगर दोस्तों इसके एएमसी चार्ज की तुलना करें बाकी के डीमेट अकाउंट से, जैसे कि अगर बात करें एंजल वन से, तो एंजल वन में 20 रुपये पर मंथ एएमसी चार्ज है। अगर इसमें जीएसटी और जोड़ दिया जाए तो लगभग 24 रुपये हो जाता है, और अगर इसको ईयरली देखा जाए तो 240 रुपये के आसपास इसका एएमसी चार्ज है। वहीं पर अगर आप स्टॉक धन एप्लीकेशन और ग्रो एप्लीकेशन की बात करें तो इनमें एएमसी चार्ज है ही नहीं, ठीक है, तो आपके लिए बेटर हो सकती हैं बाकी के एप्लीकेशन अगर आप एएमसी चार्ज को देखते हैं। उसके बाद अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, आप डिलीवरी में ट्रेड करने वाले हैं, आप कभी इंट्राडे नहीं करने वाले, कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करने वाले, तो इसमें अगर आप कोई भी शेयर लेके छोड़ देते हैं 2 या फिर 3 या फिर 4 साल के लिए तो इसमें आपके एएमसी चार्ज साथ ही साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करना है तो आप इसको यूज ना करें, क्योंकि डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करने का यहाँ पर आपसे 15 रुपये पर ऑर्डर चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर 2.5% लिया जाता है, लेकिन इसमें से जो भी कम होता है तो वो आपको चार्ज देना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं तो वो आपका फ्री में नहीं होगा, जबकि बाकी के एप्लीकेशन में जो भी मैंने आपको नाम बताए थे उनमें आप डिलीवरी में ट्रेड फ्री में कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लेते हैं जिसमें एएमसी चार्ज लगता ही नहीं है और आप डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए फिर पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है। अगर बात करें अब इंट्राडे की, तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट है। इंट्राडे में ट्रेड करने पर यह आपसे ले रहा है 15 रुपये पर ऑर्डर, जबकि बाकी की कंपनियों में यही चार्जेज आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर लिया जाता है। तो अगर आप दिन में मान लो कि जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके 5 रुपये इधर पर ऑर्डर बचने वाले हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ये एप्लीकेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। या फिर इसमें एक और है
कि आपसे 0.05% लिया जाएगा, लेकिन इसमें से जो कम होगा वो चार्ज आपको देना पड़ेगा, या फिर 15 रुपये या फिर 0.05%। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए यह एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं तो। लेकिन दोस्तों इंट्राडे में ही ये एप्लीकेशन आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए यह एप्लीकेशन और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप एएमसी चार्ज को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि फिर तो आपके पास मोटा पैसा है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन से आप काफ़ी ज़्यादा बचा भी सकते हैं, अगर एएमसी चार्ज लग भी रहा है तो यहाँ पर आपको बचाने की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम मनी में ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। लेकिन दोस्तों अभी पेटीएम मनी जो एप्लीकेशन है, तो यह एप्लीकेशन अभी न्यू आया है, इसमें सारे सेगमेंट अभी एक्टिवेट नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम यह एप्लीकेशन खुद को अपडेट भी करता जा रहा है, तो यह एप्लीकेशन आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन इसमें अभी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ये चार्ज ले रहा है, और साथ ही एएमसी चार्ज ले रहा है, तो डिलीवरी में ट्रेड करने वालों के लिए यह एप्लीकेशन बेटर नहीं है। ये तो मुझे भी इसका थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है, कि ये एप्लीकेशन डिलीवरी वालों के लिए नहीं है। तो इसमें भी इन फ्यूचर ये एप्लीकेशन सुधार कर सकता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे के लिए यह एप्लीकेशन बेस्ट है। अगर दोस्तों बात करें इसके अकाउंट ओपन प्रोसेस की, तो इसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेट है, 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, और थोड़ा सा भी फॉल्ट आता है तो इसमें आपका 15 या फिर 20 दिन के लिए भी जा सकता है। आपके इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कंपनी के थ्रू होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसमें अपना अकाउंट ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इस एप्लीकेशन को मैंने अपने फ्रेंड के मोबाइल में यूज़ किया है तो इसका यूजर इंटरफेस मुझे तो अच्छा लगा, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें बेसिक हैं, सारे ऑप्शन इसमें बेसिक हैं। और जब इसमें मैंने अपना अकाउंट ओपन किया तो मुझे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन बात यह कि मेरा अकाउंट अभी तक खुला ही नहीं है, और जब मैं कस्टमर केयर के लिए कॉल करता हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि बाकी के ब्रोकर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस उतना सिंपल और उतना फास्ट पेटीएम मनी का नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।